गुरु नानक देव जी महाराज का दो दिनी गुरमत दीवान ज्योति जोत पर्व का आज ऐतिहासिक बेटमा गुरुद्वारा बावड़ी साहिब में सजाया गया। इस दौरान अखंड पाठ, शब्द कीर्तन, अरदास हुई। इसके साथ ही दीवान को विशेष रूप से संगारित किया गया। गाइडलाइन के पालन करते हुए गुरु का अटूट लंगर भी किया गया। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष मंजीत सिंह भाटिया, महासचिव जसबीर सिंह गांधी ने बताया कि 29 सितंबर से अखंड पाठ शुरू हो चुका है। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से दोपहर 2:15 पर पाठ की समाप्ति होगी। गुरुद्वारा बावड़ी साहिब बैठमा में दीवान भी सजाया गया। इस आयोजन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के खंडवा, उज्जैन, रतलाम, इंदौर सहित कई स्थानों से श्रद्धालु बैठमा आए। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का ज्योति जोत पुरब है और कल इमली साहब गुरुद्वारा ऐतिहासिक स्थान है जहां इमली साहब के पेड़ के नीचे उपदेश देकर उन्होंने संगत को निहाल किया था। कल इमली साहब गुरुद्वारे में समागम था। आज बेटमा साहब गुरुद्वारा ये ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ गुरु नानक देव जी खुद आए थे और यहाँ गाँव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और भीलों का अंत तक था, तो उन्होंने यहाँ पे पानी की समस्या को दूर करा। यहाँ पे अपना मीठा पानी है और साथ में भीलों के अंतक से गांव वालों को समझा बुझा के मुक्त कराया। आज ये ऐतिहासिक स्थल पे ये समागम हो रहा है और आप देखिए कितना बड़ा ऐतिहासिक स्थल और कितनी समागम में संगत आई है। इंदौर की संगत आई है, उच्च कोटि के रागी सिंह कथावाचक आए हुए हैं और आप देखिए किस सुबह से लंगर चल रहा है और संगत की लाइन नहीं टूट रही। इतनी आस्था इस स्थान में संगत की है और यहाँ पे हर पूनम में, हर अमावस में संगत आती है और अपनी मन्नत मांगती है, परमात्मा के दर्शन करती है और जाती है। ये स्थान का ये महत्व है और यहाँ पे इतना बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं जी। फतेह प्रवान करना जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत ये जो प्रोग्राम आज गुरुद्वारा बावड़ी साहब बेटमा विखे ये जो चल रहे हैं, ये साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के ज्योति जोत पुरब नूं मुख रखते हुए ये प्रोग्राम चल रहे हैं। सात संगत जी, श्री गुरु सिंह सभा वालों हर साल ये प्रोग्राम इतने कराए जाते हैं। ये इंदौर ही नहीं बल्कि इंदौर के आस पास, इंदौर जिला, देवास जिला, उसके बाद उज्जैन संभाग, खंडवा संभाग, ये सारे ही संभागों के लोग इतने आते हैं और विशेष तौर पर दास ने तो यह देखा है कि हर पूर्णमासी और मस्या और हरिद्वार को बहुत आए संगत इतने पहुँचती हैं और गुरु के दर्शन करके हर जस कीर्तन करके अपना जन्म सफल करते हैं। इस पावन स्थान के ऊपर जिथे सरोवर का निर्माण किया गया है, ये निर्माण संत बाबा कोला सिंह जी कार सेवा सराली वाले उन्होंने कराया गया है। ये गुरुद्वारे का निर्माण भी उन्होंने कराया जा रहा है। सात संगत जी, कार सेवा के राही जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कार सेवा का राह संत बाबा भोला सिंह जी ने इस इलाके की संगतों को दिखाया है। आप जी ने जिते गुरुद्वारा चरण पादुका की बिल्डिंग का निर्माण किया, हम बावड़ी साहब विखे निर्माण कार्य चल रहे हैं और गुरु के लंगर की अटूट सेवा हमेशा ही चलती रहती है और संगत इतने 12 महीने इको जे इतने आते हैं। खालसा वाहेगुरु जी फतेह। सात संगत जी, धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के जो ज्योति जोत गुरपुरब है, दसवीं सराधे बेटमा साहिब में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर सुबह से लगातार शब्द कीर्तन, गुरुवाणी का गायन हो रहे हैं, लंगर गुरु का अतुट वर्ता रहे।
और यहाँ पर सभी श्रद्धालु संगत सभी समाजों के लोग यहाँ पर आके दर्शन मेला कर रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। गुरुद्वारा बेटमा साहिब, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।